हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल सविता इंग्लिश क्लासेस टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू चैप्टर नंबर टू फॉर क्लास सिक्स एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द फ्रेंडली मैंगव फ्रेंडली मींस जो दोस्ती है जिसके साथ हमारी ऐसा मैंगव और मैंगव्ज़ हिंदी में हम मैंगज़ को क्या कहते हैं नेवला कहते हैं In this video I will explain this chapter line to line and side by side I will tell meaning of all the words. So listen it carefully. Let's move to the chapter. इसके अंदर एक farmer है, उसकी wife है और उसका एक छोटा सा बच्चा है जो गांव में रहते हैं। एक baby mongoose भी उनके साथ रहता है और वो believe करते हैं कि ये जो mongoose है, nevla है हमारे बेटे का साथी बनेगा फ्यूचर के अंदर वन डे क्या है वन डे फार्मर एंड हिज़ वाइफ वेंट आउट लिविंग द चाइल्ड अलोन विद द मैंगोज एक बार एक जो फार्मर है और उसकी वाइफ है वो मैंगोज के पास छोड़कर अपने बच्चे को बाहर चले जाते हैं ये एक ब्रीफ में समरी सी बनाई हुई है चैप्टर की चैप्टर अभी स्टार्ट होता है वंस अ फार्मर से वंस ए फार्मर और उसकी जो वाइफ हैं वो गांव में रहते हैं एक छोटे से स्मॉल विलेज में रहते हैं और उनका एक बेटा है जो उससे वो बहुत प्यार करते हैं वो क्या है भी वो सोचते हैं कि हमें एक पैट रखना चाहिए जो उसकी वाइफ जो है कहती है अपने पति से एक दिन और पति भी कहता है अपनी वाइफ से एक दिन दोनों इस बात पे एग्री हो जाते हैं उनका बेटा जब ग्रोन अप होगा बड़ा होगा तो उन्हें एक नीड होगी कंपेनियन की साथी की नीड होगी और वो एक जो पैट होगा उस वो जो है हमारे बेटे का साथी होगा उसकी जो वाइफ है वो भी इस आइडिया को पसंद करती है कि भाई ठीक है एक पैट रख लेते हैं घर में और वो हमारे बेटे का एक कंपेनियन होगा साथ खेलने में वो उसको पसंद करेगा एक दिन शाम को जब एक फा जो फार्मर है वो लेकर आता है एक बहुत ही टाइनी मैंगू को लेकर आता है जो बेबी मैंगोज है वो बहुत ही जो फुल्ली ग्रोन अप नहीं है बहुत छोटा बेबी है लेकिन वो क्या है कि कुछ ही दिन में वो बहुत ही ग्रोन अप हो जाएगा और क्या होगा एक हमारे बेटे का दोस्त बन जाएगा फ्रेंड बन जाएगा बोथ जो हैं बेबी और जो मैंगूव हैं वो डे बाय डे ग्रो हो रहे हैं बड़े हो रहे हैं मैंगूव भी बेबी है और बेबी तो छोटा बच्चा है ही उनका अब फाइव सिक्स ईयर मंथ के अंदर ही मैंगव्ज़ जो है वो ग्रोन अप हो जाता है उसका फुल साइज हो जाता है फाइव सिक्स मंथ में लेकिन बच्चा जो है वो तो अभी उसकी वो तो क्या है अभी छोटा है वो फाइव सिक्स मंथ का बच्चा इतना बड़ा नहीं होता कि वो मूव कर पाए इधर से उधर अपना सेल्फ नहीं कर चलता जो बे है वो बहुत ही एक लवली एनिमल है प्यारा सा एनिमल है उसकी जो आँखें हैं वो काली आँखें चमक रही हैं उसकी जो टेल है वो बूसी टेल है जो फार्मर का बेटा है वो अभी भी किस में है क्रेडल में है क्रेडल मींस झूले में अंदर है सो रहा है और चिल्ला रहा है अल्टरनेटली अल्टरनेटली मींस बारी बारी से एक बार सो रहा है फिर चिल्ला रहा है फिर चिल्ला रहा है फिर सो रहा है इस तरह से एक दिन क्या होता है कि जो फार्मर की वाइफ है वो चाहती है मार्केट में जाना और वो अपने बच्चे को फेड कराती है दूध पिलाती है और उसको सुला देती है क्रैडल के अंदर झूले के अंदर अपनी बास्केट को पिक करती है अपनी बास्केट को पिक करती है सामान को लेने के लिए मार्केट से और अपने हस्बैंड को कहती है कि मैं बाज़ार जा रही हूँ जो बच्चा है वो उस समय सो रहा है और उसकी जो वो क्या कहती है कि उसके ऊपर आईज़ रखिए मींस इसको इसकी देखभाल कीजिए आप इसकी मेरी एबसेंस में आप इसकी देखभाल करेंगे ठीक है फ्रेंकली वो क्या कहती है उसे हेजिटेशन नहीं होती है वो कहती है कि मैं अकेले मैंगूज के पास में अलोन अपने बच्चे को छोड़ना लाइक नहीं करूँगी पसंद नहीं करूँगी फार्मर उस पर क्या कहता है कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है अफ्रेड मीन्स डरना जो मैंगूज है वो एक फ्रेंडली एनिमल है मीन्स एक बहुत ही अच्छा दोस्त है ये इतना स्वीट है इतना प्यारा है जितना कि हमारा बेटा जितना प्यारा है ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं यू नो क्या आप जानते हैं वो अपनी पत्नी से कहता है कि आपको पता है कि ये दोनों बहुत अच्छी है, दोस्त हैं उसकी जो वाइफ है वो चली जाती है और जो फार्मर हैं वो उसको घर में कोई काम नहीं है तो वो क्या डिसाइड करता है क्या निर्णय करता है कि खेत में जाकर एक बार फील्ड में जाकर और उनको देखकर आ जाए खेतों को देखकर आ जाए वो रैन इंटू होता है किससे रैन इंटू मीन्स किसी से मीटिंग हो जाती है एक दोस्त उसका रास्ते में उसे मिल जाता है और उसे वापसी करने में समय लग जाता है इट मीन्स थोड़े समय के बाद वो लौटता है ये जो नेक्स्ट हमारी स्टोरी है उसकी समरी बनाई हुई है बीच में इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं द फार्मर्स वाइफ जो है वो रिटर्न होती है मार्केट से और साथ में क्या लेकर आती है एक बास्केट को लेकर आती है जिसमें सामान हैवी लोड है मैंगो जो है वो गेट के ऊपर है और उसका जो फेस है और जो पा है उसके पंजे जो हैं वो ब्लड से सने हुए हैं वो एकदम से कंक्लूजन निकालती है कि ज़रूर मेरे बेटे को इसने हर्ट किया है और और उसके हर्ट करने का गिलती कौन है ये मैंगूज ही गिलती है इसके बाद क्या होता है फार्मर जो है अपना वर्क फिनिश करके फार्मर की वाइफ जो है अपना वर्क फिनिश करके दोनों घर की साइड वापसी करते हैं पहले कौन पहुंचता है वाइफ़ पहुंचती है शॉपिंग करके वापस आती है केम बैक होती है और बास्केट लेकर आती है फुल ऑफ ग्रोसरीज़ मतलब घर के सामान की चीज़ें खरीद कर बास्केट को भरकर लेकर आती है मैंगू जो है वो बाहर बैठ कर उसका वेट कर रहा है एज़ यूजल उसका वेलकम करने के लिए स्वागत करने के लिए एक जो कस्टमरी परंपरा है कि वो जब आते हैं हस्बैंड और वाइफ बाहर से तो मैंगूज उनका वेलकम करता है तो उसी तरह से एज यूज़ुल वो रूटीन में बैठा हुआ है वहाँ पे लेकिन वाइफ क्या सोचती है कि जो मैंगूज को देखकर वो स्क्रीम स्क्रीम मीन्स चिल्लाना चिल्लाती है उस ब्लड को देखकर खून को देखकर और वो क्या सोचती है कि उसने जो उसका जो खून है पैर और जो उसका फेस जो भरा हुआ है खून से स्मियर्ड स्मियर्ड मींस सना हुआ है भरा हुआ है और वो क्या कहती है कि वो विकेड एनिमल विकेड एनिमल दुष्ट एनिमल उसको बोलती है उसको क्या सोचती है कि इसने मेरे बच्चे को मार दिया है उसने मेरे बच्चे को मार दिया है और वो ज़ोर से चिल्लाती है और बिल्कुल ब्लाइंड हो जाती है गुस्से में इतना गुस्सा आता है कि वो अपना डिसीज़न नहीं कर पाती है कि क्या हुआ है वो अंदर जाकर नहीं देखती है और अपनी फुल स्ट्रेंथ से अपनी फुल स्ट्रेंथ से क्या करती है उस हैवी बास्केट को ग्रोसरीज़ की हैवी बास्केट बास्केट से मैंगोज़ को हिट कर देती है जब वो मैंगो को हिट करती है उसके बाद वो अंदर रन करती है अपने बच्चे को क्या देखती है कि वो तो झूले में सो रहा है एकदम से वो देखती है कि वो तो झूले में सो रहा है लेकिन फ्लोर के ऊपर फर्श के ऊपर क्या है एक ब्लैक कलर का स्नैक जो है वो ब्लीडिंग में ब्लड में ये देखो यहाँ पे बेबी सो रहा है यहाँ पे जो है इसने फार्मर की वाइफ ने मैंगोज़ को हीट किया है किससे पूरी जो बास्केट में ग्रोसरीज है उससे उसको हिट कर दिया है और यहाँ पे उसको आके पता लगता है कि रियल सिचुएशन क्या है वो रियलाइज़ करती है कि भाई क्या हो गया है ये मैंने क्या कर दिया है वो रन करती है बाहर भागती है बाहर भागने से क्या फ़ायदा है उसने मैंगोज़ को इतना ज़ोर से हिट किया है कि अब वो सर्वाइव नहीं कर सकता था वो कहती है कि वो आपने तो मेरे बच्चे को सेव किया है मेरे बच्चे को बचाया है आपने स्नेक को किल किया है और ये मैंने क्या कर दिया है वो ज़ोर से चिल्लाती है मैंगूज़ को टच करती है बट उस समय तक क्या हो गया है मैंगो मर चुका है और अनअवेयर है अनअवेयर मींस नहीं जानता है उसकी शॉपिंग के बारे में कि वो शॉप क्या होता है सुबह कि उसकी जो मालकिन है वो उसके लिए रो रही है उसे नहीं पता है क्यों क्योंकि वो मैंगज़ उस समय तक मर चुका है जो फार्मर की वाइफ है उसने इतना हास जो है मतलब बहुत जल्दी से एक्शन लिया है बहुत दौड़ के एक्शन लिया है कि उसने कुछ भी सोचा नहीं है उसने एकदम से उस पर स्टेयर किया देखा मैंगूव को देखा और एकदम से एक्शन लिया कि भाई कैसे मतलब अब तो मैंगू जो है वो डेड हो गया है तेरे एक्शन की वजह से आपके एक्शन की वजह से वो खुद को गिलती फील करती है वो क्या सुनती है उसी समय वो अपने बच्चे की बेबी के रोने की आवाज़ सुनती है अपने आँसुओं को वाइपिंग वाइपिंग मीन्स अपने आँसुओं को पूछ कर टीयर्स टीयर्स मीन्स आँसू आशु. आँसुओं को पूछ कर क्या करती है वो अंदर जाती है और उसको फीड करवाती है उसको दूध पिलाती है तो इस प्रकार ये स्टोरी क्या है कि इससे हमें क्या मॉरल मिलता है ये जो स्टोरी है सबसे पहले तो हमें कहाँ से मिली है ये पंचतंत्र की कहानियाँ हैं पंचतंत्र की ये कहानी की एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे लिया गया है यहाँ इस स्टोरी का जो मोरल है वो क्या है मोरल ये है कि कोई भी काम करने से पहले हमें उसका देखना चाहिए कि इसका रीज़न क्या है अगर ऐसा है तो उसके अंदर जो हम सोचते हैं उससे डिफरेंट भी हो सकता है जैसे फार्मर की वाइफ के साथ हुआ अगर वो अंदर पहले ऑब्जर्व करती तो वो मैंगो को कभी नहीं मारती लेकिन उसने पहले नहीं देखा और उसने क्विक डिसीज़न लिया और बिना ही देखे उस पर बिना ही सोचे समझे मैंगो पर अटैक कर दिया तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम करने से पहले हमें उसको अच्छे से सोचना चाहिए इतना जल्दी से हमें डिसीज़न नहीं लेना चाहिए आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी अगर आपको अच्छी लगे पसंद आए आप इस चैनल को शेयर करें सब्सक्राइब करें